न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति के अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल एवं उनकी पूरी टीम द्वारा लगातार 29 वर्षों से ढांचा भवन कुरुद में मां दुर्गा की स्थापना कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आम जनता के मनोरंजन के लिए झांकियां भी बनाई जाती हैं। इस वर्ष समिति द्वारा श्री कृष्ण लीला का संपूर्ण चित्रण झांकियों के माध्यम से किया गया है, जिसे देखने प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। न्यू एस विकास समिति ढांचा भवन भिलाई के सौजन्य से न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति के तत्वाधान में विगत 28 वर्षों से अनवरत माता दुर्गा की प्रतिमा विराजित कर नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है और शहर के आम जनमानस जो यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए प्रतिवर्ष अलग अलग विषयों को लेकर झांकियाँ भी बनाई जाती हैं। बीते वर्ष में स्वर्ग नर्क की झांकी यहाँ बनाई गई थी, जिसने पूरे भिलाई शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष भी झांकी का निर्माण किया गया है। इस वर्ष श्री कृष्ण लीला को चरितार्थ करते हुए चलित झांकियां बनाई गई हैं, जो कि श्रद्धालुओं और दर्शकों का मन मोह रही हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं और उनकी बांसुरी पर श्री राधा नृत्य कर रही है। अंदर प्रवेश करते ही कारावास में श्री कृष्ण का जन्म प्रदर्शित किया गया है और उसके बाद पूतना का वध, कंस का वध, श्री कृष्ण जी की रासलीला एवं श्री कृष्ण जी के द्वारा उठाए गए पर्वत की झांकी भी देखने लायक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण जी की और भी लीलाएं बखूबी चरितार्थ की गई हैं। इसके साथ ही कृष्ण जी की ब्रिज की होली भी दर्शकों का मन मोह रही हैं। वहीं इस वर्ष समिति द्वारा लगाए गए पंडाल और माता जी की मूर्ति के दर्शन करने वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन भी पहुंचे और उन्होंने समिति और समिति के अध्यक्ष शंभुनाथ जायसवाल की जमकर तारीफ की और समिति के हर सदस्य की कर्मठता को सैल्यूट किया। मैं तो पूरे भिलाई की ओर से शंभू भैया को धन्यवाद दूंगा, उनकी दुर्गा समिति को धन्यवाद दूंगा कि वो आने वाले समय में नवरात्रि के अवसर पे जो माँ वैष्णो माता के दर्शन करने नहीं जा सकते, जो माँ कामाख्या के दर्शन करने नहीं जा सकते, जो दूर दराज जहाँ पे हमारी माताएं दर्शन के लिए बैठी वहाँ नहीं जा पाते, उन्हें साक्षात दर्शन कैलाश नगर में देते हैं। और स्पेशल इसलिए शंभू भैया को और धन्यवाद दूंगा कि अधिकतर सोच ये रहती थी हमारे वैशाली नगर विधानसभा वालों की, पटरी के इस पार वालों की, कि हमें सेक्टर साइट या पटरी के उस पार हमको दर्शन के लिए जाना है। लेकिन अब ये देखने को आ रहा है कि दूर दराज से, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, बेमेतरा हो, साजा हो, सेक्टर 10 से सेक्टर 1 तक हो, हुड़को के लोग हो, वो सारे लोग जो हैं कैलाश नगर दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो अधिकतर ये होता है कि व्यक्ति अपना जीवन जीता है और अपने लिए अच्छा सोचता है कि मैं हर दिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या करूं। लेकिन यहाँ पे शंभू भैया ने जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन के लिए, लोगों के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कैलाश नगर में कुछ भी नया होता है तो लोग ये नहीं बोलते कि नगर निगम ने बनाया, तालाब में मंदिर कौन बनाया तो शंभू भैया बनाए, यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों के दर्शन के लिए अच्छे कार्यक्रम कौन किए, शंभू भैया किए, कवि सम्मेलन कौन किया, शंभू भैया किए। तो सार्वजनिक जीवन जीने के लिए शंभू भैया जो लोगों के लिए प्रयास करते हैं, कोरोना काल में भी इन्होंने प्रयास किया, हर व्यक्ति कोई भी किसी भी मदद के लिए आता है तो उनके दोनों हाथ से, उनके जेब में अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये निकाल के वो दे देते हैं, लोगों के लिए जीते हैं वो। ऐसे शंभू भैया को मैं माता को तो प्रणाम करता हूँ, मैं शंभू भैया को भी प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में, क्योंकि नवरात्रि का लोगों को इंतज़ार रहता है और आयोजन समिति क्या नया करने वाला है कैलाश नगर का, इसका भी इंतज़ार लोगों को रहता है, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, क्योंकि इस पंडाल में माता का विशेष आशीर्वाद है, साक्षात दर्शन देती है। जय माता दी, जय माता दी। मेरे
समिति द्वारा बनाए गए इस वर्ष श्री कृष्ण लीला की झांकी एवं 29 वर्षों से लगातार माता जी की मूर्ति विराजित करने के परिप्रेक्ष्य में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य ने जानकारी दी। विशेष यह है कि हमारे अध्यक्ष श्री शंभु जायसवाल जी हर साल एक नया उत्सव का आयोजन करवाते हैं, माँ का दरबार लगता है और पूरी समिति के साथ एक सफल आयोजन का कार्यक्रम हमारी समिति सफल करती है, जिसके लिए शंभु जायसवाल जी को और पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सबके सहयोग से सबके कर्मों से ये कार्यक्रम सफल होता है। हमारे पंडाल पर आज तक कभी भी किसी प्रकार का वाद विवाद इस पंडाल पे नहीं हुआ। विगत स्वर्ग नरक हमारी समिति बनाई थी और इस बार श्री कृष्ण रास लीला का झांकी रखी गई है, जो इसको भी हमारी समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष शंभु जायसवाल जी अध्यक्ष के नेतृत्व में सफल करने जा रही है। धन्यवाद। ये पूरा कृष्ण जी का झांकी है, यहाँ कृष्ण जी की लीला दिखाई गई है। आज तक कृष्ण जी कैसे क्या जो भी है, पूरा कृष्ण जी की लीला है। अंदर में तैयार करने में ये लग गया है लमसम 20 से 25 दिन। सर अभी तो ये हमारा तीसरा दिन है, अब आगे पंचमी से यहाँ भीड़ देखा जाएगा। अभी भी यहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग हैं, लेकिन पंचमी से जो भीड़ बढ़ेगी वो भीड़ बढ़ेगी। न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति के द्वारा माता दुर्गा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं एवं झांकी को देखने आए दर्शकों के लिए उत्तम व्यवस्था बनाई गई है, जिससे किसी को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।